जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला आजम लखनऊ के ईडी पहुंचे। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर 12 बजे से वे अब तक कार्यालय में ही हैं, तो वहीं बंद कमरे में उनसे जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट और कई अन्य फर्मों से जुड़े फंड को लेकर पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को ईडी ने 15 जुलाई तक पेश होने का नोटिस जारी किया था, मगर वो तीसरे दिन ही ईडी कार्यालय पहुंच गए। तो वहीं ईडी ने आजम खां के खिलाफ 1 अगस्त 2019 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एफआईआर दर्ज की थी। मामला रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। ईडी ने पिछले दिनों में आजम खां की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। दोनों को ईडी ने 15 जुलाई से पहले लखनऊ अशोक मार्ग स्थित जोनल ऑफिस में पेश होने के लिए नोटिस दिया था। वहीं बुधवार को अब्दुल्ला एक प्राइवेट गाड़ी से ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे ईडी की टीम ने जौहर विश्वविद्यालय के फाइनेंस से जुड़े मामलों में पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने फंडिंग को लेकर साक्ष्य भी मांगे। ईडी इससे पहले अब्दुल्ला से सीतापुर जेल में भी पूछताछ की थी, वह जेल में बंद थे। इसके साथ ही टीम ने रामपुर जाकर जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।